hello everyone welcome to our class of fourth semester our topic is redemption of preference share today we are going to solve question number four problem with solution earlier we had complete introduction question number one two three please check the i button and below the description all video links are there as well as previous topic issue of debenture redemption of debenture profit prior to incorporation all videos are there so you can complete your fourth semester from here एंड प्लीज़ स्टूडेंट वॉच ऑल द वीडियो इन ऑर्डर सो मैंने वीडियो इस तरह बनाए हैं कि सिंपल टू हार्ड तो आपको क्वेश्चन नंबर वन सिंपल रहेगा तो क्वेश्चन नंबर सेवन हार्ड रहेगा तो सब ऑर्डर में आप चेक करेंगे तो ही जा कर आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारे लिए बैलेंस शीट ऑफ श्यूआर लिमिटेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन वॉर्स अंडर लाइबिलिटीज़ में प्रेफरेंस शेयर है जो रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है हमें इक्विटी शेयर है सिक्योरिटी प्रीमियम है जर्नलिजो है डिबेंचर्स है करंट लाइबिलिटी है फिर ऐसे है हमारे पास फिर एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन है ऑन द अबाउट डेट द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इस प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट तो बच्चों यहाँ पे रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर को वो भी प्रीमियम टेन परसेंट ठीक है हमारा फेस वैल्यू सौ है सौ का टेन परसेंट दस रुपया इसको साइड में सेपरेटली जहन में रखना फिर क्या है फॉर दिस पर्पज द कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट ठीक है प्रॉफिट पे सोल्ड कर रहे हैं टेन परसेंट इन्वेस्टमेंट है चार लाख आप इसको प्रॉफिट यानी फोर लाख का टेन परसेंट कितना है बच्चों फोर्टी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड प्रॉफिट में बेचना है फोर लैख फोर्टी हमें पैसा आएगा फिर आप इशू करेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं टेन एट पार ठीक है यहाँ पे इशू एट पार है प्रीमियम नहीं है तो एक एंट्री और कम हो गई हमारे लिए प्रेफरेंस है लीगल रिक्वायरमेंट ठीक अच्छी बात है तो सबसे पहले आपको हमेशा जन एंट्री का फॉर्मेट याद रखना है ये वाला जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था पहला कंडीशन इसके पहले भी एंट्रिया है और भी अगर ये सम फुल्ली पेड अब शेयर नहीं होता तो आपको वह एंट्री पास करनी पड़ती पहले आप फर्स्ट कॉल फिर उसको कॉल इन एरियर फिर रिकवरी फिर आप सेल ऑफ एसेट फिर न्यूशू फिर आप रिडम्पशन स्टार्ट करते तो हर सम में मेरा कहने का मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पेड अप अगर पेड अप है तो ही रिडीम होगा वरना रिडीम नहीं होगा तो फिलहाल तो अभी तक हमने सारे सम फुल्ली पेड अप के किए हैं आगे करेंगे हम लोग कि कुछ फुल्ली पेड अप हो गए कुछ पार्टली अप होंगे तो उस वक्त एंट्री आपकी बढ़ जाएगी फिलहाल हमारे लिए कोई हेड नहीं है सिंपल सम है एकदम कॉन्सेप्ट समझे पहला रिडीम है प्रीमियम पे इन्वेस्टमेंट सोल्ड करना है टेन परसेंट प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर इशू करना है फिर रिडीम करना है तो आपके जन एंट्री अगर ये फॉर्मेट जहन में है पूरा तो आप एंट्री इजीली पास कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको सेल ऑफ एसेट यानी इन्वेस्टमेंट या बेच रहे आप प्रॉफिट पे तो पहले एंट्री है ये पास करेंगे प्रॉफिट आए तो क्रेडिट पीएनएल होगा ठीक है मैंने दोनों ऑप्शन रखे हैं कभी प्रॉफिट पे होता है कभी लॉस पे होता है तो ये परफॉर्म आता इसलिए मैंने दोनों बताया था आपको ध्यान देना है कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है तो प्रॉफिट है तो आपको क्रेडिट में पास करनी है तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पी ठीक है फिर आपके जहन में होना चाहिए कि भाई एसेट बेचने के बाद इशू ऑफ न्यू शेयर है या नहीं है ठीक है इशू ऑफ न्यू शेयर था हमारा इक्विटी वो भी पार पे प्रीमियम पे पार पे तो पार वाली एंट्री है तो बैंक टू इक्विटी अगर प्रीमियम होता है बैंक टू इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो ये पार है तो आपको ये वाली एंट्री पास करनी है ये होने के बाद फिर आपको रिडम्पशन का डिटेल बताना है कितना आप रिडीम करने वाले हो हमारे पास रिडीम का डिटेल है कि भाई टेन परसेंट प्रीमियम पे देना है ये तो पांच लाख का अभी डायरेक्ट टेन परसेंट भी निकालो तो कितना आता है पचास हजार आता है ठीक है तो आपको रिडीमेबल शेयर की एंट्री आएगी और प्रीमियम की आएगी और होल्डर की आएगी तीनों एंट्री पास करनी है अगर ये प्रीमियम नहीं होता तो ये प्रीमियम की एंट्री आप पास नहीं करते हैं उसको याद रखना कभी देता है प्रीमियम पे कभी पार पे तो क्वेश्चन में वो ध्यान देना तो ऑप्शन दिया है मैंने दोनों का प्रीमियम है तो प्रीमियम लिखे नहीं होता। तो ये लाइन कट करते हैं हम लोग सिंपल है अब प्रीमियम आ रहा है तो प्रीमियम को आपको एडजस्ट करना होता है तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट लगता है पिनल टू प्रीमियम और अडम्पन जो भी प्रीमियम फिगर होगा वो यहां पे आएगा ये डिविजिबल प्रॉफिट से यूज होगा उसको याद रखना यहाँ पे देखो आपके रिजर्व एंड सर में दो एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम भी है जनरल रिजर्व भी है मगर इस दोनों में से एक डिविजिबल है एक नॉन डिविजिबल है इसका आपको मैंने इंडक्शन में बताया था तो आगे चलते देखते हैं उसके बारे में क्या है तो फिलहाल याद रखिए जनरल जनरल रिजर्व आपका डिविजिबल प्रॉफिट है ठीक है इसका यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ नहीं लगाना ये नॉन डिविजिबल है एनी ऑफ इ लास्ट में सिया सीआरआर के बाद फिर आप फाइनली होल्डर को पेमेंट कर दोगे ठीक है तो ये जनएनटी आप जेन में रखें अब हम जनएनटी के पास करेंगे तो सबसे पहले क्या पास करेंगे बच्चों इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री पास करते प्रॉफिट बेस बेच रहे हैं हम लोग चार लाख का टेन परसेंट फोर्टी थाउजेंड यानी फोर लैख फोर्टी पे आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पी एन एल फोर लैख फोर्टी चार लाख पैसा है फोर्टी थाउजेंड प्रॉफिट है फिर क्या बताया था मैंने आपको न्यू शेयर इशू करना है इशू की एंट्री क्या बच्चों बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू लैख फिफ्टी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू टेन हो गया आपका पैसा जमा हो गया अब आप रिडम्शन बताइए कितना रिडीम करने वाले हो आप पाँच लाख ही रिडीम करने वाले हो विथ प्रीमियम तो वो एंट्री पास करेंगे प्रेफरेंशेयर कैपिटल पाँच लाख टेन परसेंट प्रीमियम आप डायरेक्ट भी निकालना फाइव लाख का टेन परसेंट भी फिफ्टी थाउजेंड हो होता है और शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हंड्रेड का टेन परसेंट दस रुपये आया और इसका जो शेयर था वो पाँच हज़ार था तो पाँच हज़ार इंटू टेन पचास हज़ार दोनों कैसे भी करो एक ही है नंबर ऑफ शेयर दिया है नहीं था इसीलिए डायरेक्टली मैंने क्या किया, किया? फाइव लैख के ऊपर टेन परसेंट निकाला फिफ्टी थाउजेंड इसका मतलब है होल्डर को आपको पेमेंट करना है फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड इसको याद रखें अब असल काम शुरू होता है पहला प्रीमियम को हमेशा एडजस्ट करते हैं फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो प्रीमियम के लिए आपको चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट अभी बताया था मैंने कौन सा डिविजिबल प्रॉफिट ये चार्ट मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ये आपको हमेशा याद रखना है डिविजिबल क्या है नॉन डिविजिबल क्या है तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट डिविजिबल है यहां पे है और जनरल रिजर्व डिविजिबल है तो आपको जनरल रिजर्व का यूज करना है तो ये प्रीमियम के लिए आप कौन सी एंट्री यूज करेंगे जनरल रिजर्व टू प्रीमियम और अडम्शन तो यहां कंफ्यूजन होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है कि जनरल रिजर्व तो ये चार्ट याद रहेगा आपको तो आप फिर आप सिर्फ जनरल रिजर्व लेंगे ठीक है और प्रीमियम का पचास था तो आप पचास लिख दें प्रीमियम हो गया अब क्या अब आपको मेन पार्ट शुरू होता है कि प्रेफरेंस शेयर को देना था पांच लाख हमारे पास पैसा कितना है तो आपने दो चीजें बेची थी इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको आपको सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ही लेना है न्यू इश्यू में किसके लिए रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए इसके अलावा डिबेंचर इशू करो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करो फर्नीचर सोल्ड करो कुछ भी करो वो एंट्री यहां इंक्लूड नहीं होती है रिडम्पशन में रिडम्पशन में सिर्फ इक्विटी शेयर न्यू इक्विटी शेयर और न्यू प्रेफरेंस शेयर का ही पैसा यूज होता है इसको हमेशा याद रखना तो अब हम चेक कर सकते हैं कि भाई पांच लाख देना था और इक्विटी शेयर का टू लाख फिफ्टी आया अभी भी टू लाख फिफ्टी बाकी है तो वो टू लाख फिफ्टी हम सी से निकालेंगे ठीक है कैपिटल रिडम्शन से उसका फॉर्मूला बताया था याद हमेशा का फॉर्मूला क्या है लेना, ये दो ही लेना आपको। है, डिबेंचर है ये सबको हाथ नहीं लगा सकते आप क्वेश्चन में दिया जेनएनडी तो पास करके उसको बता दो इश्यू नहीं है आप ये चीज को ध्यान देना ठीक तो है, है तो फिलहाल इक्विटी है और प्रेफरें माइनस किए है तो बैलेंस भी टू लाख फिफ्टी आया यानी आप मेंटेन करोगे टू लाख फिफ्टी का जनरल रिजर्व टू सी आर आर सी आर आर भी आपको डिविजल प्रॉफिट का ही नाम लिखना है उसको याद रखें ठीक है डिविजल प्रॉफिट एक ही है जनरल रिजर्व तो यानी हमने पूरी एंट्री मुकम्मल कर दी अब पेमेंट करते हैं होल्डर को होल्डर को पेमेंट करना है फाइव लाख फिफ्टी तो होल्डर टू बैंक लास्ट एंट्री पास करके आपका सम खत्म हो गया तो होप्सो आपको ये सब समझ में आ रहेगा इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होल्ड डिबेंचर याद रखें नहीं लेना सिर्फ न्यू इश्यू लेना है इक्विटी और प्रेफरेंचर और डिविजिबल प्रॉफिट में याद रखें कौन सा लेना है जर्नलिज्म पीएनएल डिविजिबल प्रॉफिट है ये ले नॉर्मली जनरल जर्नलिजो पीएनएल ही आता है उसके अलावा जो भी आप इग्नोर कर हैं ठीक है होप्पसो यहां तक तो कोई डाउट ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गॉड ब्लेस यू